ऑफिस डेवलपमेंट रिफ्रेशर का सेकेंड डे। अभी हम लोग थोड़ा सा वीकली रजिस्टर देख लेते हैं। वीकली रजिस्टर क्या है? एक्चुअली ये वीकली रजिस्टर है दीदी का स्टॉक रजिस्टर। हमने कल दीदी को कौन सा सामान दिया था, कौन से बिजनेस का कितना सामान दिया था, याद है? 3000 का सामान दिया। ये हम लिख रहे हैं आपको समझने के लिए। आप लोग ये जो डेली रजिस्टर बनाए थे, 4 सप्ताह का बनता है, तो ये है 1 सप्ताह का डेली रजिस्टर। 1 सप्ताह का डेली रजिस्टर करने के बाद 1 सप्ताह का वीकली रजिस्टर करना पड़ता है। हम जब दीदी के घर में जाएंगे, 3000 रुपये का जो सामान दिए थे, वो सारा सामान क्या बिक जाएगा? नहीं भी बिक सकता है ना, और बिक भी सकता है। जाके दीदी के घर में जो सामान हमें आंखों से दिखाई देगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वीकली रजिस्टर में दीदी जिस कीमत से खरीदी है, वही मूल्य यहाँ पे बैठाना पड़ता है। ये देखिए पहला सप्ताह, सामानों का विवरण, मतलब दीदी के पास क्या क्या सामान, आप उसके घर में जाके देख रहे हैं जो पड़ा है। ये जो ब्लैक से हमने यहाँ पे ऊपर किया आपको समझने के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है प्रथम सप्ताह, मतलब वीक नंबर 1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वीक नंबर 2 है ना, फिर वैसा ही वीक नंबर 3, वीक नंबर 4। तो 4 सप्ताह का हिसाब लेंगे तो 1 महीने का हिसाब बन जाएगा। बीबीका से जो फिक्स्ड एसेट या स्थायी संपत्ति दीदी को दिया था, जैसे कि तराजू हो सकता है, टीने का बोयम होगा, शीशे का बोयम होगा, प्लास्टिक का बोयम होगा, तो ये सब लिखेंगे तो पूरा ये बॉक्स भर जाएगा, है ना? तो इसलिए हम उसका मूल्य यहाँ पे लिख देते हैं। इसके लिए हमेशा कॉपी या रजिस्टर जो है वो बड़ा सा, जैसे आपका फाइल है ना लंबा, वैसा ही बड़ा सा होना चाहिए, और हमेशा ऐसे बनाना चाहिए, इधर से और इधर से, इधर 2 सप्ताह का, इधर 2 सप्ताह का, तो बन गया 1 महीने का। अभी इस सप्ताह में हम दीदी के घर में जाके देख रहे हैं, यही सामान है और बाकी सामान बिक गया है ना? तो जो सामान हमने देखा है वही सामान हमने लिख दिया है। अभी लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी को टोटल कीजिए, जोड़ के आप लोग बताइए, तब तक मैं इधर लिख लेती हूँ। जोड़ने के बाद कितना हुआ, तो यहाँ पे लिखिए 1570, और ये 1570 है कुल वर्तमान संपत्ति। उसके बाद देखिए और एक हमने लिखा है उधार, तो इस हफ्ते का उधार कितना है दीदी के पास, कहाँ से पता चलेगा? चलिए जाइए डेली रजिस्टर में, प्रथम वीक का जो पहला हमने बोर्ड में किया था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 150 रुपया लिखिए उधार के घर में। उसके बाद देखिए हाथ में नगद, चले जाइए डेली रजिस्टर में, कल का डेली रजिस्टर कितना था, 1460 रुपया। हम लोग बंधन में हम लोग दीदी को ये बोलते हैं कि दीदी सारा दिन आपने बिजनेस किया, बिक्री किया, खाने पीने में खर्चा किया, आपके हाथ में इतना अभी पैसा है, प्रतिदिन 3 रुपया करके रखती है, तो 1 महीने में कितना होगा, 90 रुपया। और हम उसको बोलते हैं दीदी इसमें से और 10 रुपया डाल दो, तो 100 रुपया हो गया। ये 100 रुपया आप अपने बैंक के खाते में डाल दीजिए, ताकि भविष्य के लिए आपका कुछ जमा पूंजी बनता रहे। अभी हम लाभ अभी नहीं निकाल पाएंगे, अभी हमने कल किया था डेली रजिस्टर, आज किया है वीकली रजिस्टर। करने के बाद हमें इसके बाद करना पड़ेगा एमआरपी रजिस्टर। जब हम एमआरपी रजिस्टर में चढ़ाएंगे ये सारा हिसाब, कल वाला और आज वाला सारा हिसाब जब एमआरपी रजिस्टर में चढ़ाएंगे, वहाँ पे जोड़ घटाव करेंगे, करने के बाद प्रॉफिट निकलेगा कि 1 सप्ताह का प्रॉफिट कितना हुआ, तब जाके हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अभी ये घर खाली रहेगा। नेक्स्ट देखिए लास्ट में लिखा है परिवार खर्च, 1 सप्ताह का परिवार खर्च, ये कहाँ से आएगा, ₹670। अभी आप कैलकुलेटर में ये सारा पैसा जोड़ के देखिए तो मैडम कितना हुआ। अच्छा, हम इस समझने के लिए इस कोने में लिख रहे हैं 3850। अभी कल का हिसाब और आज का हिसाब देख के आपको क्या पता चल रहा है, क्या समझ में आ रहा है?
ये जो बिजनेस है कैसा चल रहा है, समझ में आ रहा है कि बिजनेस प्रॉफिट में है। अभी ये हो गया प्रथम सप्ताह का वीकली रजिस्टर कंप्लीट। दूसरा सप्ताह आप जाके देख रहेंगे कि हमारा यहाँ पे ये 600 रुपया ही है स्थाई संपत्ति। फिक्स्ड एसेट का एक विवरण आप ऐसे कागज में लिख के रखिए और इसके साथ आप ऐसे स्टेपल करके फोल्ड करके ऐसे इसके साथ आप ऐसे फोल्ड करके इसके साथ रख लीजिए कि हमने फिक्स्ड एसेट में क्या क्या दिया था। डेली रजिस्टर में जाइए, वीकली टोटल कौन सा डेट में किया था, 7, 10, 18। दूसरा सप्ताह वीकली टोटल कितना तारीख में किया था, तो यहाँ पे 14, 10, 18। नेम राइटिंग रजिस्टर दीदी के पास रहेगा। ये रजिस्टर ऐसे होता है कॉपी के जैसे, जैसे आप लोगों के पास कॉपी है वैसा ही एक कॉपी रहेगा दीदी के पास, और उस कॉपी में हमें ऐसे बॉक्स बना लेना है। जिस डेट पे आप दीदी के घर में जाइएगा दीदी से मिलने के लिए, उस डेट यहाँ पे बैठाइएगा। जैसे कि हम लोग डेली रजिस्टर किए थे 7 तारीख में वीकली टोटल किए थे ना, वही डेट हम वीकली डेली रजिस्टर और वीकली रजिस्टर में लिखे थे, सेम डेट नेम बेनिफिशियरी नेम राइटिंग रजिस्टर में भी होगा। टाइम, जो टाइम आप दीदी के घर में जाएंगे वो टाइम लिखिएगा, और डे मतलब ये जो ग्रुप का जो बैठक है ये बैठक कौन से दिनों का है वो दिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आपको ऐसे ही कॉपी में बॉक्स बना लेना है, और जैसे कि दीदी का जो नाम है ट्रिप नाम लिखना है, उसका सरनेम नहीं लिखना है। जैसे कि काजल देवी है ना, तो उसका जो सरनेम है देवी या बीबी या कुछ भी, वो सरनेम अभी नहीं सिखाना है, सिर्फ नाम सिखाना है। और दीदी को ये कहना है कि दीदी आप इस नाम के ऊपर में ऐसे ओवर राइटिंग हाथ घुमाइए 5 बार 10 बार, ऐसे इसको हाथ घुमाएगी लिखावट पे। 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद, 4-5 बार प्रैक्टिस करने के बाद, नीचे 2 लाइन दीदी को बोलिएगा आप खुद लिखने का प्रयत्न करें, ऐसे 2 लाइन दीदी को बोलिएगा। हम नेक्स्ट होम विजिट में आएंगे है ना, नेक्स्ट हम होम विजिट में आएंगे तो ये नीचे वाला जो काम आपको दिया गया है होमवर्क, ये आपने पूरा किया है कि नहीं हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट होम विजिट में जब हम जाएंगे तो ये वाला होमवर्क, तब ये क्या होगा, ये होमवर्क हो जाएगा है ना। इस होमवर्क को आपको जांच करना पड़ेगा कि दीदी ने ये होमवर्क का काम किया है कि नहीं। अगर दीदी ने किया है तो आपको यहाँ पे आपका नाम लिख के सिग्नेचर करना है कि हाँ दीदी ने यहाँ पे अपना होमवर्क किया है। यदि नहीं किया है तो आपको दोबारा उसके आपके सामने बैठ के दीदी को प्रैक्टिस करवाना है और नीचे लिखवाना हो जाएगा, बहुत ही आसान है। बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन बुक का फॉर्मेट बहुत बड़ा है। बेनिफिशियरी के पास जो बुक रहेगा एक कॉपी जैसा रहेगा, और उसके ऊपर ऐसे ही लिखा रहता है बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन बुक, और उसको जब हम खोलेंगे तो उस खोलने के बीच में ये सारे जो इंफॉर्मेशन है ये रहेगा। नेम ऑफ बेनिफिशियरी मतलब हमारी दीदी का नाम काजल है ना, तो वो नाम हमें उसको लिखना पड़ेगा। और देखिए ऐसे ट्रांसफर डिटेल्स, सामानों का वितरण का विवरण हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सामानों का वितरण हम लोग फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, कोई भी बिजनेस का सामान एक बार में नहीं दे देते हैं, उसको 2 या 3 इंस्टॉलमेंटों में देते हैं। मान के चलिए दीदी का बिजनेस प्लान 10,000 का है, लेकिन 10,000 का सामान हम एक बार में नहीं दे देते हैं, उसको प्रथम बार शायद 3,000 या 4,000, दूसरी बार शायद 3,000 या 4,000, और तीसरी बार बाकी जो पैसे बचे हैं वो। तो इसी हिसाब से हम लोग 3 इंस्टॉलमेंट में दीदी को धीरे धीरे करके बिजनेस का पैसा देते हैं। फर्स्ट टाइम हमने कितना दिया था दीदी को, 3,000। कितना दिन कौन से डेट पे दिया था, अगर 1 तारीख को दिया है तो वही लिखेंगे
जिस तारीख को दीदी को सामान दिया है वही तारीख हम यहाँ पे लिखेंगे। जितना पैसे का सामान दिया है वो पैसा हम यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे वो दो तीन महीना इस पैसे को लेकर वो काम करेगी, और दो तीन महीना काम करने के बाद ये दो तीन महीने के अंदर में हम लोग प्रति सप्ताह दीदी के घर में एक बार करके जाएंगे और जाकर उसके बिजनेस की तरक्की देखेंगे कितना हो रहा है, तरक्की जा रहा है या नीचे जा रहा है, मतलब बिजनेस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो उसको हम सामान और नहीं देंगे, वहीं पे रुक जाएंगे और दीदी को मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे कि दीदी बिजनेस को अच्छी तरीके से कीजिए, सामान आपका बर्बाद हो रहा है उसको संभाल के रखिए, दुकान में जचा के रखिए, सजा के रखिए, ग्राहकों से अच्छी तरीके से बातचीत कीजिए ताकि ग्राहक आपकी दुकान में आए, उधार कम दिया कीजिए। ये सारी बातों को हम उनको समझाएंगे और जब उसका बिजनेस तरक्की में जाएगा, यही तरक्की हम तीन चार महीना देखेंगे, है ना, या दो तीन महीना देखेंगे। देखने के बाद अगर हमें लग रहा है कि हाँ प्रति सप्ताह ये तरक्की कर रही है, तब जाके हम दूसरे टाइम फिर उसको सामान देंगे। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने MRP रजिस्टर बनाया था, है ना, तो वही MRP रजिस्टर थोड़ा खोल दो। MRP रजिस्टर खोला, खोल के आपके सामने रखिए और मेरी तरफ बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ये इंफॉर्मेशन बुक है, इंफॉर्मेशन बुक का ये प्रथम वाला पार्ट देखिए। कल हम आप लोगों को समझाए थे कि दीदी को जब भी कोई सामान देंगे तो वो सामानों का पोस्टिंग, मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम क्या दिया है, कौन से डेट पे दिया है, कितना अमाउंट में दिया है, इसका दो बॉक्स था, है ना, डेट और अमाउंट का। ये हमने कल आप लोगों को समझा दिया, अभी हम लोग ये नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे समझेंगे। और इस जगह पे ये बेनिफिशियरी बुक दीदी के पास ही रहता है और जीविका से जब भी सामान दिया जाएगा, जितना पैसा का दिया जाएगा उसका यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन बुक में 7 दिन बाद बाद ही लिखा जाए, रोज नहीं लिखा जाए। तो प्रथम सामान किराने का दुकान का सामान कितना तारीख को दिया गया था, कितना तारीख दिया गया था, एक दस अठारह को अभी कितना सामान दिया गया था, 3000 ना। अभी इस फॉर्मेट में आप थोड़ा सा देखिए, इस फॉर्मेट में है डेट ऑफ विजिट, मतलब कौन से डेट पे आप दीदी के घर में विजिट किए हो, मतलब कि कौन से डेट पे हम दीदी के घर में गए थे। दूसरा देखिए फार्म एंटरप्राइज लिखा है, मतलब पशु संपत्ति, फार्म एंटरप्राइज मतलब पशु संपत्ति, हाँ। बोर्ड में ध्यान दीजिए, ये फॉर्म वाला में लिखेंगे, ये फॉर्म वाला यहाँ से बनता है, ये देखो ये एक घर है, ये दो घर है। फार्म का जितना सामान देंगे वो यहाँ पे लिखेंगे और उस सामान में से कितना प्रॉफिट हुआ है या इनकम हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से बिजनेस का है नॉन फार्म एंटरप्राइज, बिजनेस का हमने कितना सामान दिया है और उस सामान से कितना प्रॉफिट हुआ है उस हफ्ते में, उसका हम यहाँ पे लिखेंगे। कितना सामान दिया और कितना फायदा हुआ, कितना सामान दिया और कितना फायदा हुआ, ये हमें लिखना पड़ेगा MRP रजिस्टर देखकर। लिखना पड़ेगा,
दिन दिए हैं उस दिन कोई मुनाफा आएगा? नहीं नहीं है। मैडम आपको पूछ रही हूँ, आएगा? नहीं। तुम यहाँ पे खाली रहे, ओके? समझ में आया? अभी हम उसको नहीं दिए हैं तो हम ये फार्म वाला घर पे नहीं लिखेंगे, ये खाली रहेगा। अभी हम उसका बिजनेस का सामान दिए हैं तो बिजनेस के घर में लिखना पड़ेगा। प्रथम कितना सामान दिया था? 3000 का दिया था ना? कौन से डेट पे दिया था? 1/10/18। तो वही हम यहाँ पे 1/10/18 लिखा है और यहाँ पे 3000 रुपया जिस दिन दिया उस दिन तो प्रॉफिट नहीं होगा ना, तो यहाँ पे हमें खाली छोड़ कुछ नहीं लिखा, ठीक है? अच्छा उसके बाद देखिए क्या लिखा है, अदर इनकम। मतलब ये जो हमने जीविका से जो सामान दीदी को दिया है या जो बिजनेस हमने दिया है इसके अलावा दीदी क्या और कुछ काम करती है? जैसे मान के चलो नरेगा का काम, सड़क के किनारे पेड़ पौधा लगाने का काम चल रहा है उसका काम है ना, या मान के चलो कि किसी बगल वाले का बगल वाले आदमी ने या औरत ने उसको एक बकरी दे दिया पालने का, ऐसे ही वो पाल रही है ना, तो कुछ अन्य काम जीविका जो काम दिया है उसको छोड़कर दीदी अन्य कोई काम अगर कर रही है तो वो काम में से कितना टका एक सप्ताह में इनकम हुआ है? यदि वो कर रही है तो हम लिखेंगे, यदि नहीं कर रही है तो खाली छोड़, ठीक है? मैं रुक रुक के समझा रही हूँ, कृपया रुक रुक के समझ लीजिए, ठीक है? उसके बाद है क्या, सेकेंडरी इनकम, मतलब अन्य आय से लाभ। अभी देखिए हम दीदी को एक ही व्यापार देंगे, बिजनेस एक देंगे, लेकिन वो एक बिजनेस को लेकर दीदी जिंदगी भर नहीं रहेगी, वो एक बिजनेस से मुनाफा कर कर उसे कुछ दूसरा बिजनेस भी चालू करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी एंटरप्राइज, दूसरी आय का स्रोत, दूसरी आय का स्रोत ढूंढना पड़ेगा। मान के चलो दीदी को क्या दिया था, किराने का दुकान दिया ना 3000 का। अभी उसी किराने के दुकान के साथ साथ दीदी 6-7 महीने के बाद हम दीदी को मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे कि दीदी किराने का दुकान तो अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, शाम को बगल में ना इसी किराने के दुकान के बगल में ही आप थोड़ा सा पकौड़ा तलिए ना, सर्दी का मौसम है, लिट्टी उट्टी बनाइए, थोड़ा बेचिए। तो वो क्या हुआ उसका सेकेंडरी एंटरप्राइज, वो पकौड़े का दुकान भी हो सकता है, उसी दुकान के बगल में ही वो करेगी, एक चूल्हा लगा लेगी उसी में करेगी, या हम ये भी कह सकते हैं अंडा बेच सकता है, बिल्कुल। उसके साथ ये भी कह सकते हैं दीदी किराने की दुकान के साथ थोड़ा सा सब्जी रखिए ना, वो सब्जी वाला हो गया उसका सेकेंडरी एंटरप्राइज। मतलब हम जीविका जो सामान देगा, बिजनेस पर्पस जो सामान देगा, उस सामान के लेकर वो 6 महीना 7 महीना 8 महीना बिजनेस करेगी, करने के बाद उसके प्रॉफिट के पैसे से वो और एक दूसरा एंटरप्राइज या दूसरा आय का स्रोत का बिजनेस वो खोलेगी, उसी को कहते हैं सेकेंडरी एंटरप्राइज। अभी तो दीदी का नया बिजनेस है, दीदी खोली नहीं है दूसरा बिजनेस, तो हम यहाँ पे खाली रखेंगे। यदि वो खोलती है तो फिर हमें यहाँ पे भरना होगा, जब समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है? तो अभी खाली है तो हम खाली रखेंगे, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे सी और एस लिखा है, सी और एस का मतलब है कंजम्पशन स्टाइपेंड। मतलब हम लोग दीदी को कुछ पैसा देते हैं खाने पीने के लिए, क्योंकि वो जो पुराना जो काम कर रही थी हमारे जीविका के आने से पहले या हमारा टीएचई प्रोग्राम आने से पहले, हम जो छोटे छोटे उसको बिजनेस दिए हैं, इस बिजनेस में आने से पहले वो अपनी जिंदगी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम कर रही थी ना। अभी हम क्या किए उसको हमारे प्रोग्राम के संदर्भ में एक नया काम में उसको जोड़ दिया,
बिजनेस दे दिए। अभी कोई भी बिजनेस शुरुआत में अच्छा नहीं चलता, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, है ना। तो वो बिजनेस जब तक रनिंग ना हो जाए, अपनी गति ना पकड़ ले, तब तक हम दीदी को खाने पीने के लिए कुछ पैसा देते हैं, प्रतिदिन देते हैं। लेकिन ये प्रतिदिन का पैसा दीदी के घर में जा के नहीं देते, हम विजिट करते हैं 7 दिन बाद बाद, इसलिए दीदी को वो 7 दिन बाद बाद पैसा देते। जब हम पैसा देंगे तब यहाँ पे लिखेंगे, जब पैसा नहीं देंगे तब यहाँ पे नहीं। हर सप्ताह पैसा का मतलब उसी पैसे में से देंगे? नहीं, ये हम लोग का मान के चलो दीदी का बिजनेस का बिजनेस प्लान बना है, मान के चलो सब कुछ पकड़ लो 10,000, वो 10,000 उसके सिर्फ बिजनेस पर्पस ही रहेगा। बाकी पैसा जो खाने पीने का पैसा है वो हम जाते समय ऑफिस से लेकर जाते हैं और दीदी को देकर आते हैं और उसका हस्ताक्षर लेके आते हैं, है ना। फिर उसका एक अलग सा मास्टर रोल बनता है, है ना। तो ये हम लोग THB में हम लोग ये करते हैं। अभी जीविका में भीओ से शायद उनको ये पैसा मिलेगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है उसको जब पैसा मिलेगा तब आपको यहाँ पे लिखना, हो सकता है वो आपके हाथ में दिया जाए आप दे के आओ, या हो सकता है डायरेक्ट भीओ दे दे, जो भी हो वो जीविका का मैनेजमेंट है। अभी देखो यहाँ पे हस्ताक्षर है, सिग्नेचर, ये किसका होगा? नहीं रे बाबा, ये MRP का होगा। यहाँ पे लिख लो MRP का हस्ताक्षर, MRP। ये गया 7-1 तारीख का पोस्टिंग, उसके बाद हम कितने तारीख को जाएंगे? 7 दिन बाद, 7-10 उसके बाद दिए खोलूँ मैं रिमार्क्स। रिमार्क्स में है ना, रिमार्क्स में मतलब विशेष टिप्पणी। मान के चलो उसका आपने जानवर दिया है, जानवर का जब हम लोग जानवर खरीदते हैं ना जिससे, तो हम उसको बोलते हैं कि देखिए भैया आपसे हमने जानवर लिया है, अभी ये जानवर हम 7-15 दिन इसको देखेंगे, 7-15 दिन में अगर इसका तबीयत बिगड़ गया तो आपको लेके जाना है और फिर से नया अच्छा तंदुरुस्त जानवर दे लिया जिससे हम लोग खरीदते हैं, उसके साथ ये हम लोग डीलिंग करते हैं। अगर आप राजी हो गए तो आपसे ही हम जानवर लेंगे और राजी नहीं हो गए तो हम नहीं लेंगे। सामान ऐसा होता है, होता है ना। तो जब वो सामान हमको दिया मतलब जानवर हमको दिया, तो बकरी दिया, तो गाय दिया, जो भी हो हमने लिया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने लिया, लेने के बाद देख रही हूँ 7 दिन बाद उस बकरी का नाक बह रहा है या उस बकरी का कुछ समस्या दिख रहा है, तो हम उसको फोन घुमाएंगे, ठीक है, कि भैया आपने जो जानवर दिया उसका तबीयत अभी खराब है, कृपया आप आओ देखो और इसका फैसला करो। भाई पीछे चढ़ गया, वो आता है जब आता है व्यापारी तो हम वो जानवर क्या करते हैं उसको दे देते हैं, तुम लेके जाओ तुम्हारा जानवर, भला चंगा जानवर हमको लेके जाओ। जब वो लेके जाएगा तब आपको रिमार्क्स में लिखना पड़ेगा कि व्यापारी एक जानवर बीमार हो गया था, व्यापारी लेके गया, वो रिमार्क्स में लिख के रखना, ओके। दूसरा सप्ताह मान के चलो वो जानवर वापस किया है, दूसरा सप्ताह आप जाके देख रहे हो कि जो जानवर बीमार था वो लेके चला गया, अब दूसरा सप्ताह जाके देख रहे हो कि दीदी को वापस करके गया है, तो फिर दूसरा सप्ताह रिमार्क्स की तरह में आपको लिखना पड़ेगा कि व्यापारी के पास से जानवर वापस आ गया है। आया समझ में? मतलब तो कोई भी विशेष बात, विशेष ध्यान देने वाली बात होती है ना, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी अगर आप बोलिए विशेष बात आया तो रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं, जैसे किराना दुकान में ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो रिमार्क्स क्यों में लिखोगे कि ये सामान बदलने के लिए गया है, जब वो बदल के आ जाएगा फिर रिमार्क्स क्यों में लिख दो कि बदल के आ गया है, मतलब विशेष विशेष बातें वहाँ पे लिखना, ओके। अच्छा अभी आ जाते हैं 7 तारीख, MRP रजिस्टर आप लोगों ने निकाल के रखा है ना, अच्छा 7 तारीख में। अभी देखिए MRP रजिस्टर के साथ में ये वाला फॉर्मेट हाथ में रखिए और 3 नंबर कॉलम में आइए, 3 नंबर क्या लिखा है थोड़ा पढ़ के बताइए। व्यापार का MRP रजिस्टर, हाँ व्यापार का MRP रजिस्टर
चरण फर्म का होटल एसेट के खाना या घर में जो लिखा है लिखा है वह देख कर इंफॉर्मेशन बुक के प्रेजेंट कैपिटल और इनकम के खाना में। अच्छा रुक जाओ, प्रेजेंट कैपिटल के घर में बस इतना तो रुक जाओ। तो हम एमआरपी रजिस्टर में कौन सा देखेंगे? टोटल एसेट। समझ आ रहा है कहाँ से लिया हमने? अच्छा उसके बाद देखो, चलिए मैडम आगे पढ़िए। वह देखकर इंफॉर्मेशन बुक के इनकम, समझ में आ रहा है कहाँ से लिखना पड़ेगा? हाँ एमआरपी रजिस्टर देखकर हमें यहाँ पे लिख देना, कुछ नहीं करना, बस उसको देखकर लिखना। अभी मान के चलो जैसे हमने एमआरपी रजिस्टर में टोटल किया था, देखिए एमआरपी रजिस्टर में हमने टोटल किया था ना मंथली टोटल, उसी तरह ही इंफॉर्मेशन बुक में भी मंथली टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये जो हम टोटल करेंगे, देखिए फॉर्म में हमने कुछ नहीं दिया है कि ये घर जाहिर है खाली रहेगा, खाली रहेगा ना, खाली गया। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट जो कैपिटल है उसको देख देख कर नीचे उतार देना, और ये जो सारा चीज है इसको प्लस करके नीचे लिखना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3575 और ये दोनों जोड़कर यहाँ 1235 ना। अभी ये जो 1235 हुआ है ना, ये वाला एमआरपी रजिस्टर का, आप एमआरपी रजिस्टर का प्रॉफिट देखिए तो सेम है जी। अगर उसके साथ ये सेम हुआ तो आपका हिसाब सही है। बिल में अगर दीदी का हिसाब गड़बड़ हो गया तो एमआरपी का हिसाब गड़बड़ होगा, एमआरपी का हिसाब गड़बड़ हुआ तो डीपीआई, और उसका गड़बड़ हुआ तो होगा ना, इसलिए हम सबको एज ए टीम बन के काम करना है।